नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु। दोस्तों, सपनों की जिज्ञासा हर एक व्यक्ति को रहती है। रात में, दिन में, कभी भी आप सपने देखते हैं, कई बार मन भयभीत हो जाता है और कई बार बहुत अच्छा लगता है, उनके फल जानने की पूर्ण इच्छा होती है। आज हम आपको बता रहे हैं सांप के बारे में। आपको सपने में नाग और नागिन यानी सांप और सांपिनी का जोड़ा दिखाई दे रहा है, एक साथ दिख रहा है। दो सांप दिख रहे हैं तो माना जाएगा कि नाग और नागिनी है, तो ये विवरण जो है बहुत उत्तम नहीं माना जाता। ये विवरण दिखा रहा है कि आपके कुछ ऐसे काम होने वाले हैं या जिनके बारे में आपने सोचा है, व्यवसाय में, जॉब में या कोई मांगलिक कार्य में, उसमें कोई संकट आने वाला है, कोई विघ्न आने वाला है, कोई परेशानी आने वाली है। इसलिए उसको एक दो बार और अच्छी तरह से परख के फिर डिसीजन ले तो ये उत्तम फल देगा। एक और विवरण आता है, आपके ऊपर सांप गिर जाए। आप लेटे हुए हैं, सपना ले रहे हैं और सपने में आपके ऊपर सांप गिर गया और घबरा के आप उठ गए, तो ये सपना भी दिखा रहा है कि कोई गंभीर रोग आपके ऊपर आने वाला है, कोई ऐसी चिंता आने वाली है मानसिक रूप से, सोशल सर्कल की तरफ से या किसी भी तरह से, जो आपको शारीरिक परेशानी दे, उसका यह संकेत है। और यह संकेत दे रहा है कि उसका पहले से निवारण करने की कोशिश करिए। एक और विवरण आता है, आप सो रहे हैं, चिर निंद्रा में है और ये सपने 3 से 4 बजे के बीच, जब आप गहरी नींद में होते हैं, भोर बोलते हैं, उस समय अगर ये आते हैं तो इनके फल स्वप्न शास्त्र में बताए गए हैं कि ये फल मिलते हैं। आपके ऊपर आपने देखा एक सांप बैठ गया, सांप बैठा हुआ है, कोई हरकत नहीं है, कोई फुंकार नहीं रहा, कोई गुस्से में नहीं है, नॉर्मल में तरीके से आपके ऊपर बैठा है फन फैलाए हुए, तो ये एक अच्छा सपना है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है और कोई ऑफिस की तरफ से कोई प्रमोशन का चांस नजर आ रहा है, कोई ऐसी जगह आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, हो सकता है कई किसी जगह आप इंचार्ज बन के जा रहे हों, व्यवसाय में भी तरक्की का संकेत ये नजर आता है। एक और सपना आता है, आप लेटे हुए हैं, कोई बड़ा सांप आता है और आपको वो निगल गया, खा गया, भयभीत होकर उठ गए आप, डरने की बात नहीं है, अच्छा सपना है, व्यवसाय में, व्यापार में उन्नति का संकेत है, कोई ना कोई नया काम आपको मिलने वाला है। एक और सांप के ऊपर संकेत आता है सपने का, सांप के बच्चे का काटना। प्यारा सा एक सांप का बच्चा है, आपने सपने में देखा और आप उसको छूने की कोशिश करते हैं, उसकी सुंदरता से छोटे बच्चे को देख के, क्योंकि सांप के छोटे बच्चे छिपकली से भी छोटे होते हैं, और उनकी तरफ आप हाथ बढ़ाते हैं और वो आपको काट लेता है। शुभ संकेत नहीं दिखा रहा ये सपना, ये संकेत दिखा रहा है कि आपका कोई प्रिय प्रेमी या प्रेमिका भी हो सकती है या कोई मित्र हो सकता है जो आपकी प्रतिष्ठा पे दाग लगाएगा, धोखा मिल सकता है उनकी तरफ से। ये सपना आपको उनके बारे में ये निश्चित करने आ रहा है कि कोई भी आप काम करें उसके बारे में सचेत रहिए, सोच समझ कर चलिए इस दोस्ती को, रिलेशंस को। दोस्तों, आप हमारा चैनल देखते हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है। जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों दोस्तों में भेजिए। कोई विशेष जानकारी की आपकी इच्छा है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। नमो नारायण।